केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर महाराज बाड़े में एलिवेटेड रोड के द्वितीय चरण और चंबल से पानी लाने की योजना सहित चंबल के लगभग 8000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ग्वालियर अद्भुत शहर है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पानी की समस्या मेरे ग्वालियर के क्षेत्र में होती थी, उसके लिए हम चंबल से पानी लेकर आ रहे हैं। सिंचाई की सुविधा के लिए आज माधवराज सिंधिया सिंचाई परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शेजवलकर साहब, हम अनूप मिश्रा जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, अभय चौधरी जी, हम लोग सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी दोनों के प्रति कृतज्ञ हैं कि जो समय हमारी सरकार को मिला, कुल मिलाकर 3 साल अगर आप मानो, उन 3 साल में से 1.5 साल कोरोना में चले गए। 2020 से 2022 के जनवरी तक कोरोना काल में चले, तो हमें केवल 15 महीने मिले हैं विकास और प्रगति के लिए, और वो भी उस वित्तीय वातावरण में जहां पूरे विश्व में बहुत तनाव का वातावरण रहा। लेकिन फिर भी जो असंभव कार्य ग्वालियर चंबल संभाग के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हम सब के संयुक्त मेहनत और मशक्कत के साथ एक एक योजना पर, चाहे सांसद जी हों, चाहे जिलाध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, हम सब ने मिलकर रात दिन एक किया है, इसको स्वीकृत करवाने।